आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ठीक है, तो सवाल में दिया गया कि एक गुटका एक स्प्रिंग जिसका बल नियतांक के की सहायता से एक समांतर प्लेट संधारित्र की ऊपरी प्लेट से चित्रानुसार लटका हुआ है। ध्यान से देखिए बच्चों, संधारित्र से ये ऊपरी प्लेट से ये के का ये लटका हुआ है। जब गुटके पर कोई आवेश नहीं है तब इसका आवर्त काल मान लीजिए टी है, और यदि गुटके को क्यू आवेश दे दिया जाए तब इसके दोलनों का आवर्त काल क्या हो जाएगा, हमसे पूछा गया है। विकल्प आपको जो दिए गए हैं, क्या पहले जितना ही रहेगा, क्या पहले से ज्यादा हो जाएगा, क्या पहले से कम हो जाएगा, या पहले से ज्यादा या उसके बराबर हो जाएगा, इसमें से कौन सा सही है ये हमसे पूछा गया है। ध्यान से देखिए बच्चों, आपको जो दिया गया है कि जैसे ही यहाँ पर हम लोग इसको क्यू आवेश देंगे, यानी कि इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ये के सॉरी विद्युत वाहक बल क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र जो है इसको जो क्यू आवेश दिया है इसके ऊपर एक बल लगाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके ऊपर लगने वाले जो बल हैं वो कौन कौन से हैं, वो है बराबर हमारे पास में एक तो mg है ना, ये इसका अगर द्रव्यमान m है तो ये mg है ना, और एक नीचे की तरफ में जो लगेगा वो क्या लगेगा बच्चों, qe भी लगेगा। क्यों? क्योंकि इस विद्युत क्षेत्र के कारण। अब हम देख पा रहे हैं बच्चों के इन वाले के कारण क्या होगा, केवल और केवल k के अंदर जो हमारे पास में इसमें ऊपर की तरफ में जो बल लगता है f बराबर kx है ना, जो कि माइनस के kx के बराबर होता है ना, ये वाली चीज हो जाएगी। यानी कि हमें दिखते हुए नजर आ रहा है कि जो भी इसके अंदर आएगा तो x का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर बल बढ़ेगा तो, है ना। अब एक चीज ये है कि जब हमने इसको आवेश नहीं दिया था, जब आवेश नहीं दिया था, है ना, तब आवर्त काल कितना था बच्चों, t बराबर वो था हमारे पास में कितना होता है 2π अंडर रूट m अपॉन k, है ना, m अपॉन के, ये होता था समीकरण नंबर एक, है ना। जब आवेश दिया गया, है ना, जब आवेश दिया गया तो क्या हो गया बच्चों कि इसके ऊपर दो तरीके के जो फोर्स लग रहे थे, बल लग रहे थे, ये जो mg और qe, है ना। तो ध्यान से देखना बच्चों, जो mg व qe दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों, नियत बल है, कैसे हैं, नियत बल, है ना। लेकिन जो हमारे पास में जो ये वाला है f बराबर kx, f बराबर माइनस का kx जो है ये कैसा है बच्चों, हमारे पास में परिवर्ती, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, परिवर्ती, क्योंकि जैसे ही बल लगाएंगे तो इसमें x के मान में वृद्धि होगी तो ये f का मान भी बदल जाएगा, यानी कि प्रतिवर्ती परिवर्ती प्रत्यानयन, है ना, प्रत्यानयन बल है, क्योंकि रिस्टोरिंग ये बल यही कर रहा है। तो ध्यान से देखा जाए तो बल लगाने पर हमारा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा, ये पहले अगर ये यहां तक खिंच रहा था तो अब ये कुछ और भी ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, बस इसके अलावा और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जो एफ यहां पर के एक्स भी आएगा बच्चों, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसके लिए जब हम लोग लिखते हैं कि ये एफ बराबर एम ए होता है ना, तो ये जब ऊपर और नीचे जब ये गति करता है इस तरीके से दोलन करता है ना, तो ये किस तरीके से f कितना होता है हमारे पास में m a, है ना, और इसके लिए a क्या होता है हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर y होता है ऋणात्मक में, है ना, प्रत्यानयन बल। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि इसके लिए जो f मैं लिखूंगा तो ये तो m तो ऐसा का ऐसा ही है, और a कितना लिखूंगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर y, यानी कि माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और y कितना है मान लीजिए इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ x का तो ये x है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस के x के बराबर हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहां से देखूं तो माइनस ने माइनस को मार दिया, है ना, और इसके अलावा एक्स ने एक्स को मार दिया, तो मेरे पास में क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर बराबर जो बच गया वो बच गया के बटे एम, है ना। तो ये ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट के बटे एम, है ना। अब मैं इसको ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2π बटे टी, है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट के बटे एम हो जाएगा। मेरे को तो टी का मान निकालना है, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बटे 2π कितना हो जाएगा, भाई उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा मेरे पास में m अपॉन k, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, t का जो मान आता हुआ नजर आ रहा है 2π उधर जाएगा, तो ये 2π अंडर रूट k कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास में k बटे m आ जाएगा, m बटे k आएगा ना बच्चों, m बटे k, है ना। तो यहां पर ये m बटे k। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि ये वाला जो हमारे पास में आया और जो पहले था 2π m अपॉन k,
ये दोनों के दोनों बराबर हैं, यानी कि हमारे इस पर आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये उतना का उतना ही रहेगा। केवल हाँ प्रभाव ये पड़ेगा कि इसकी एक्स जो है ये बढ़ जाएगी। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों अ। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।